विश्व जननी गौ माता के चरणों में अनंत अष्टम प्रणाम समर्पण करते हैं। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से मुनि वो है जो मौन रखता है। ये संतों की सभा है और जो संत गौ माता के बहुत दिन है विशेष करके उनकी सभा है। यहाँ ये बात उल्लेख करना चाहते हैं मुनि शब्द का, संत शब्द का प्रथम आस्पद गौ माता है, क्योंकि जीवन भर मौन रखती है और अहिंसा सच्चाई से उसका अनुष्ठान करते हैं। लोग परोपकार करते हैं, हिंसा करते हैं, मौत रखते हैं। और संत हम उनकी वाणी होना चाहिए, कितना भी हो दर्द भयंकर से भयंकर वो प्रकट नहीं करती, हमें प्रकट करना चाहिए, हमें व्यक्त करना चाहिए। संस्कृत में जड़ शब्द है, हिंदी में भी जड़ शब्द है, और हिंदी का जड़ है गौ माता और हम सब संस्कृत का जड़ हो गई। इस राष्ट्र की जो जीव मंत्रालय है उसका जड़ है, मूल है गौ माता। अपना जड़ जड़ है जीवन का और हम सब जागृत नहीं है, जड़ है, निष्क्रिय है, कुछ नहीं। बहुत पर हमें लगता है कि जिस माता के पुत्र करोड़ों में 110 करोड़ जिनके संतान है इस देश में, वह माता अनंत है, असहाय है, ऐसी स्थिति आ गई इस राष्ट्र में। संत शक्ति और गौ शक्ति का जोड़ा, उससे इस राष्ट्र का उद्धार हो जाएगा। अब याद करें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और शबरा गौ माता। वशिष्ठ जी के जो जो धेनु थी उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ, सरकार का ही आक्रमण था। वो उस समय का जो राजा था विश्वामित्र उनका आक्रमण था। तब ये बड़ा संग्राम चला, संत शक्ति और गौ शक्ति दोनों मिलके एक बड़ा संग्राम चला और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे विश्वामित्र का वो सब प्रदर्शित हो गए, विश्वामित्र पराजित हो गया गौ माता और संत शक्ति के साथ। उसका पुनरावर्तन आज होना चाहिए ऐसे हमारे कामना है। अभी अभी इस सत्र में एक बात आ रहा था मुझे अंतरंग जी का मुझसे कि दो एक हुआ इस सत्र में एक अद्वैत, दो सत्र जो थे वो एक हो गए, दो एक हो गया, अद्वैत हो गया इस सत्र में। एक शुभ लक्षण हमें लग रहा था कि अब करोड़ों एक होना चाहिए राष्ट्र में, करोड़ों करोड़ जो भारतवासी हैं वो माता के पुत्र हैं, वो सब एक होना चाहिए। अगर उनको एक होना है कि माध्यम यही है तो माता के माध्यम से वो सब एक हो सकते हैं और संतों के द्वारा एक हो सकते हैं। भारत एक नहीं था हजारों साल पहले, अंग अवंग करके काम प्रोत करके अलग अलग था, प्रशासन अलग अलग, सेना अलग अलग, आर्थिक व्यवस्था अलग अलग, छप्पन राष्ट्र थे। तब शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी आगे वो सारे भारत वर्ष को उन्होंने एकत्रित किया। ये ना भारत देशों में एक राष्ट्रीय तदस्वी एक राष्ट्र किया भारत वर्ष को,
उनके पास राजा नहीं थे, धन नहीं था, लोग नहीं थे, वो स्वयं अकेले थे, समय भी बहुत कम था, केवल 16 साल की तैयारी और 16 साल का काम। 5 साल में इनका अपने लिया जो कितने ये जो फिर वो हो गया था। 4 साल में 4 वेदों का अध्ययन, फिर 4 साल में सर्व शास्त्रों का अध्ययन, फिर 4 साल में भाष्य रचना ब्रह्म सूत्र के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर भाष्य रचना, ये 16 साल की तैयारी, फिर 16 साल का काम अकेले। अब भारत अमर बड़ा था, अखंड भारत था, केवल 16 साल में सारे भारतवर्ष को विकसित किए, धर्म जागरण किए, गौरी शंकर के ऊपर सनातन धर्म का झंडा लगाया उन्होंने आदि शंकराचार्य। हम एक नहीं है, इतने संत हैं। कुछ गोमाता की शक्ति है हमारे अंदर, हमारे पीछे कि क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हम मूक हैं, जड़ हैं, वो प्रश्न। ये हम नहीं मानते कि भारत में जनमत जनाभिप्राय नहीं जो को रक्षा की है, ये हम नहीं मानते। अब सब चाहते हैं 110 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है उसमें बहुत ज्यादा लोग गाय को मानते हैं, जो गंदा नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे नहीं है वो ऐसे लोग 1-2 करोड़ होंगे या नहीं वो भी हम कह नहीं सकते। इतना बड़ा भूमत है हमारे पास, जगह जगह गांव गांव घर घर लोग चाहते हैं, ये होता नहीं। लोग जहां भी अपने अंदर ही अंदर है, जन भावना अंदर ही अंदर है, वो प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं था। चुनाव तो माध्यम नहीं होगा, अब सब जानते हैं कि चुनाव में जो होता है वो उसको क्या कहेंगे, माया कह सकते हैं केवल, केवल माया। क्योंकि जिनके पास 30% वोट है वो जीत जाएगा, 70% जिनके सामने होते हैं केवल 3% वोट मिलने से वो जीतेगा। हम अखबारों में देखे कि कई एमपी जो है भारत में वो 13% 15% इतना वोट लेके भी जीत गए, और वहां जो चलता है वो क्या कहते हैं उसको, शब्द नहीं है विषय में। इसलिए चुनाव माध्यम नहीं होगा, एक और माध्यम हमें ढूंढना चाहिए, नहीं है कि हस्ताक्षर संग्रह का जो है विचार वो नहीं है। हस्ताक्षर संग्रह के द्वारा हम ये स्पष्ट कर देंगे एक बार कि भारत चाहता है, ऐसे नहीं विश्व हिंदू परिषद चाहती है, ऐसे नहीं संत चाहते हैं, ऐसे नहीं संघ परिवार चाहता है, केवल संघ परिवार चाहता है, परंतु भारत चाहता है, सारे भारतवर्ष की ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं, ये प्रमाणित करना जरूरी, ये प्रकट करना जरूरी। इसलिए हस्ताक्षर अभियान यात्रा जनता के लिए, नेतृत्व संत करेंगे, यात्रा अराजनैतिक होगी, अराजनैतिक होगी यात्रा, राजनीति से ऊपर रहेगी, ये जरूरी। और ये बात जो उजनी दीदी ने कहा, जैसे है वैसे स्वीकार करो, अब जैसे बनना चाहिए वैसे बना दो, ये हमें एक मूल मंत्र के जैसा लगता है। इस आंदोलन में भी वही चाहिए, जो है इस आंदोलन में जो है अभी जो चाहते हैं उनको एक सूत्र में लाओ, और जो नहीं है उनको शामिल करो, वो जैसे है वैसे स्वीकार करो, आज तो जैसे है वैसे स्वीकार करो, फिर बना लो जैसे होना चाहिए वैसे बना लो। जो नहीं है इस आंदोलन में उनको प्रेरित करना, परिवर्तित करना, उनको हमारे साथ रहना, क्योंकि वो भी है